हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम आज के रोजगार जो समाचार है वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉप वैकेंसीज के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप जो अपनी तैयारी है और बेहतर कर पाएंगे, और आपको यहां से पूरा पता चल जाएगा कि कौन से वैकेंसीज जो निकल कर आ रही है, ताकि आप अपनी तैयारी जारी रख पाएं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आपको यहां पर जितनी भी जो वैकेंसीज के बारे में कवर करें पूरा पता चल जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, फर्स्ट में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज के बारे में, और ये जो वैकेंसीज है निकाली गई हैं। अब इसका जो पोस्ट नेम है, इस बार जो पोस्ट के लिए निकली है वैकेंसी, ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो और टोटल पोस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये टोटल तीन जो कि पोस्ट पर निकाली गई है, ऑफिसर ग्रेड बी जनरल और DEPR और DSIM, इन तीन पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। बात करें जनरल की, तो इसमें 156 पोस्ट है, और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 60% मार्क्स बैचलर डिग्री होना चाहिए। ओके, तो यहां पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद में अगर एसटीएससी की बात करें तो 55% इसमें होना चाहिए। आगे बात करें DEPR की, तो इसमें टोटल 20 पोस्ट निकाली गई है, और मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकल्स, इनमें जो कि आपका 55% के साथ में होना चाहिए। यदि आप एसटीएससी से आते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे बात करेंगे DSIM की, इसमें 23 टोटल पोस्ट है, और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिकल्स और यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। इसमें आपका जो कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे थोड़ी सी और, इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष इसमें एज लिमिट है, यानी इसके बीच में है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 11 अक्टूबर, यानी 11 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको एक और जो कि न्यूज़ मिल जाती है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी लगेगी, यानी अनरिजर्व यानी जनरल और ओबीसी की 850 रुपये, और एसटीएससी के लिए 100 रुपये आपको जो कि फ़ीस देना होगा। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे जो कि 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है जो है वो आपकी 9/11 यानी 9 नवंबर 2019, तो यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम डेट है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो एमपी की बिगेस्ट और बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि 5 अगस्त से लॉन्च हो चुकी है। दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे, एसएससी, इसके बाद में एमपीपीईबी की कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीईबी या फिर एमपीपीएससी, एमपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रामीण विस्तार अधिकारी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। IBPS जैसा कि यहाँ पे आपको सो रहा है, MP करेंट अफेयर, MP जो स्टैटिक जीके है, उसके साथ में आपको यहाँ पे ई बुक और प्रिंटेड हार्ड कॉपी की भी जो कि यहाँ परचेस कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर जो कि आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप पर आप बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमारी बिल्कुल इनको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़, नेक्स्ट वैकेंसी हम कवर करने वाले दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वैकेंसीज 2019, इसके बारे में कवर करेंगे इस वैकेंसी को। और यहाँ पे देखिए, इस बार जो इसका पोस्ट नेम निकल कर आया वो है आपका असिस्टेंट टीचर। इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आपकी निकाली गई है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन टोटल पोस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको सो रहा है, 3 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज निकली, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी और जूनियर इंजीनियर GE सिविल, इन 3 पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। पहले कवर करेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसके 637 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई, 30 साल मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी देखें हम, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 10+2 मिनिमम 50% मार्क्स साथ में होना चाहिए आपका, और इसके साथ में BA LED भी यहाँ पर दे रखा है, और बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, CET एग्ज़ाम पास भी आपका चाहिए, और हिंदी, इंग्लिश जो कि उर्दू, पंजाबी, किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज में जो कि आपको यहाँ पर सेकेंडरी लेवल तक होना चाहिए। STSC के लिए 5% रिलेक्शन भी दिया गया है। आगे कवर करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो इसमें 141 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 साल है, और सेम एलिजिबिलिटी भी इसमें रहेगी। आगे कवर करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर GV सिविल को, 204 पोस्ट टोटल है, 30 साल मैक्सिमम एज है, और डिग्री अगर बात करें डिप्लोमा की, तो इनमें जो कि डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पर इसमें भी आपके डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं पूरा। इसके बाद में हम आगे कवर करने वाले इसके नोटिफिकेशन के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, और यहाँ पर देखिए, एज लिमिट आपको जैसा पहले बता चुके हैं, और यहाँ पर लास्ट डेट इसकी बात करें तो 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एप्लीकेशन फीस बता देते हैं आपको। एप्लीकेशन जो फीस लगेगी इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और एसटी एससी के लिए बिल्कुल भी आपका चार्ज इसमें नहीं लगने वाला है। स्टार्ट जो होंगे इसके फॉर्म 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट 19 जनवरी 2020 है, बिल्कुल ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। आगे कवर करेंगे बीपीएससी यानी बिहार पीएससी के बारे में। वैकेंसीज निकाली गई है और इस बार का इसका पोस्ट के लिए निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन टोटल पोस्ट 28 है और यहाँ पे असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए 18 पोस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है। बी अगर बात करें असिस्टेंट सिविल जो कि इंजीनियर की, तो इसमें बीई बीटेक जो कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल की बात करें तो बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इसमें भी सेम होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे कवर करेंगे नोटिफिकेशन इसका। जैसा कि आप पहले बता चुके हैं आपको कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी नोटिफिकेशन की, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 37 साल रहेगी और लास्ट डेट इसकी है 26 सितंबर 2019। तो इनके बीच में बिल्कुल आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें जो रहेगी वो रहेगी आपकी जनरल ओबीसी की 750 रुपये और एस टी एस सी की 200 रुपये। तो यहाँ पे ये आपका जो कि देख सकते हैं इतनी आपकी फ़ीस रहेगी। स्टार्ट जो इसके फॉर्म फिल होंगे वो आपके 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लास्ट और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। ऑफिशियल जो कि नोटिफिकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं केयरफुली, तो वहाँ से भी आपको जो कि महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मिल जाएगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप का आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।